दोस्तों आज की कहानी है सासू माँ आखिर मेरे ही साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे छोटी बहू तो कभी भी बड़ी बहू के प्यार की धूल नहीं बन पाएगी। हमारी बड़ी बहू धरा तो लाखों में एक है। वसुंधरा अपनी वहीं पर बैठी बड़ी बहू धरा की ननन केसरी के ही सामने बलिया लेते हुए बोली और धरा तो ये सब देखकर बहुत खुश होती क्योंकि देवरानी के सामने उसको महत्व जो दिया जा रहा था इतना सब कुछ करती हो सबके लिए। लेकिन मम्मी जी का ध्यान कभी भी मेरी तरफ जाता ही नहीं। बुआ जी कुछ दिनों के लिए आई उनके सामने भी मुझको नीसा दिखा रही है। आखिर क्या सोचेगी बुआ जी मेरे बारे में। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी शुभ नहीं रहूंगी। आखिर मेरा भी तो समान मायने रखता है। वसुंधरा की बात सुनकर रसोई में खड़ी सही बनाती हुई सरू की आंखों में आंसू जिल मिला उठे। लेकिन भाभी मैं तो जब से आई हूँ तब से बराबर देख रही हूँ कि सरू हर काम आगे से आगे कर रही है। शायद केसरी को वसुंधरा की बात हजम नहीं हुई। ननन रानी करती तो है सरू सब काम लेकिन जितनी कार्य कुशलता से धरा सब काम निपटाती हैं उतनी कार्य कुशलता सरू के अंदर है ही नहीं। वसुंधरा मुंह बिसका कर बोली मम्मी जी मेरी शादी को इतने दिन होने को आए लेकिन आपने मेरी प्रशंसा में शायद ही कभी आपने एक भी शब्द बोला होगा बल्कि आपने हमेशा भाभी से मेरी तुलना करते हुए मुझको ताने ही मारे हैं। शायद इसकी वजह यही है कि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती हूँ और आपके बेटे की पसंद हूँ और भाभी धनाढ्य परिवार से आई है। उनके मायके से आपके लिए खूब महंगे महंगे उपहार आते रहते और मेरे मम्मी पापा की इतनी सामर्थ्य नहीं शायद इसीलिए आप उनको हर बात पर महत्व देती रहती हैं। आखिर मेरे ही साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो मैं अपने पति को लेकर इस घर से अलग हो जाती हूँ। आज सरू बिल्कुल भी चुप ना रह सकी और अपने हक के लिए उगर हो उठी। केसरी अपने छोटे भतीजे की शादी में किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाई थी इसलिए बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही अपनी छोटी भतीज बहू से मिलने सली आई। लेकिन उसको अपनी भाभी का ये छोटी बहू के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जबकि छोटी बहू आगे से आगे सब संभाल रही थी। भाभी बिल्कुल ठीक कर रही हैं सरू आप जैसे समझदार लोग अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रही काम की बात तो आप थोड़ा समय तो दीजिए अपनी छोटी बहू सरू को एक दिन देखिएगा कि वह भी धरा के टक्कर में ही सारा काम संभालने लगेगी। हर परिवार की अपनी परंपरा और अपना खान पान होता है तो कोई ज़्यादा होशियार होता है तो कोई थोड़ा कम और आजकल तो बेटियां की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एक बेटी बिल्कुल धान की पोत के समान होती है। जब धान की सफल एक जगह से दूसरी जगह रोपी जाती है तो उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके भेदभावपूर्ण रवैया से आपकी बहू आपसे दूर हो जाए। उसको भी इस घर में बड़ी बहू के समान बराबरी का हक दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यवहार से दुखी होकर सरू आपके बेटे को लेकर अलग हो जाए। फिर तो आपके पास हाथ मलने के सिवा कोई सारा भी नहीं रहेगा और बहुओं के बीच भी एक अनदेखी सी खाई बनती चली जाएगी। आपने सुना ना कि सरू ने अपना हक मांग ही लिया। ननन केसरी ने अपनी भाभी को समझाते हुए कहा सही कह रही हो आप जीजी मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं। हमेशा दराग के सामने
सरू को निशा दिखाने की कोशिश करती रही, जबकि सरू बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने उसको कभी महत्व दिया ही नहीं, बस धरा को ही इम्प्रेस देती रही। लेकिन अभी और आज से बिल्कुल नहीं। आओ सरू मेरे गले लग जाओ। आज पहली बार वसुंधरा ने सरू के लिए अपनी बाहों को फैला दिया और सरू भी खुश होकर वसुंधरा की बाहों में समा गई, क्योंकि आज पहली बार उसको साहस के दुलार का हक अपनी जेठानी के बराबर जो मिल रहा था।